राधे राधे, जय श्री कृष्ण। यहां वही आता है जहां श्री कृष्ण और श्री जी बुलाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को मथुरा पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचकर पूजा अर्चना की। पीएम मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहे। पीएम मीराबाई के 525वें जन्मोत्सव कार्यक्रम में पहुंचे, जहां अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी ने उनका स्वागत किया। भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने कहा, मैं जब से यहाँ सांसद बनकर आई हूँ तब से मैंने देखा है कि बहुत से साधु संतों के स्थल बने हैं, लेकिन मीराबाई के बारे में कहीं कुछ नहीं है। मैंने पीएम मोदी से अपना दुख प्रकट किया तो उन्होंने तुरंत इस बात को माना और आज मीराबाई के लिए यहाँ समारोह हो रहा है। मैं सांसद बनकर जब से यहाँ पर आई हूँ, इस पुण्य भूमि में, वृंदावन मथुरा में, सब जगह देखती आई हूँ कि बहुत सारे साधु संतों का इतने अच्छे अच्छे स्थल बने हैं। बहुत ही खुशी हुई सब देखकर, लेकिन बहुत दुख भी हुआ कि हमारे मीरा जी के बारे में कुछ भी, कहीं पर भी कुछ भी नहीं है। जो मीरा जी यहाँ पर वृंदावन में आकर 15 साल रही थी, लेकिन उनके विषय में कुछ भी नहीं था। तो मैंने, मेरा जो दुख था उसे मैंने हमारे प्रधानमंत्री को प्रकट किया तो उन्होंने इमीडिएटली उस बात को माना और आज इतना बड़ा अच्छा सा समारोह हो रहा है मीरा जी के लिए। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, मैं आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, मैं देरी से आने के लिए क्षमा चाहता हूँ। राजस्थान के चुनावी मैदान से भक्ति के स्थान पर आया हूँ। यहाँ वही आता है जिसे श्री कृष्ण बुलाते हैं। ये साधारण धरती नहीं है, ब्रज की रज भी पूरे संसार में पवित्र मानी जाती है। कण कण में राधा कृष्ण समाये हैं। विश्व के सभी तीर्थ यात्रा से जो लाभ मिलता है, यहाँ आने से सब मिल जाता है। मुझे मीराबाई की जयंती पर आने का सौभाग्य मिला है। मैं राधा कृष्ण के चरणों में नमन करता हूँ। हेमा सांसद तो हैं, लेकिन कृष्ण की भक्ति में रम गई हैं। मेरे लिए यहाँ आना एक और विशेष क्षण है। मैं सांसद बहन हेमा मालिनी जी का भी अभिनंदन करता हूँ। वो सांसद तो है लेकिन ब्रज में वो रम गई है। हेमा जी न केवल एक सांसद के रूप में ब्रज रस महोत्सव के आयोजन के लिए पूरी भावना से जुटी है। कृष्ण से मीराबाई तक का नाता गुजरात से रहा। कृष्ण द्वारका जाकर द्वारकाधीश बने, मीराबाई भी द्वारका रही। वो राजस्थान की थी। जब गुजरात वालों को राजस्थान और उत्तर प्रदेश आने का मौका मिलता है तो वो सौभाग्य मानते हैं। भगवान कृष्ण से लेकर मीराबाई तक ब्रज का गुजरात से एक अलग ही रिश्ता रहा है। ये मथुरा के कान्हा गुजरात जाकर ही द्वारकाधीश बने थे और राजस्थान से आकर मथुरा वृंदावन में प्रेम की धारा बहाने वाली संत मीराबाई जी ने भी अपना अंतिम जीवन द्वारिका में ही बिताया था। मीरा की भक्ति बिना वृंदावन के पूरी नहीं होती है। संत मीराबाई ने वृंदावन भक्ति से अभिभूत होकर कहा था, आलीरी मोहे लागे वृंदावन निको, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी को। इसलिए जब गुजरात के लोगों को यूपी और राजस्थान में फैले ब्रज में आने का सौभाग्य मिलता है तो हम इसे द्वारकाधीश की ही कृपा मानते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि क्षेत्र को जो मिलना चाहिए था वो आजादी के बाद भी नहीं मिला। मैंने लाल किले की प्राचीर से ऐलान किया था कि मथुरा और ब्रज विकास की दौड़ में पीछे नहीं रहेंगे। भगवान के दर्शन और भी भव्य और दिव्य होंगे। पूरा क्षेत्र कान्हा की लीला से जुड़ा है। क्षेत्र अलग अलग राज्य से आते हैं। केंद्र सबको जोड़कर विकास करेगा। जहाँ महाभारत होती है वहाँ कृष्ण का आशीर्वाद होता है। हम इसी आशीर्वाद से विकास करेंगे। राजसत्ता टीवी पर आपको मिलती है देश दुनिया से जुड़ी एक से बढ़कर एक खबरें। आप भी जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।